तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, क्या आपके पौधे पे हर प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद भी पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, या पौधे में पत्तियाँ पीली पड़ रही है, या उसमें कलियाँ नहीं आ रही? अगर कलियाँ आ रही है तो वो खिलती नहीं है। इन सभी का निवारण आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देने वाले हैं पौधे को पंचामृत। तो ये पंचामृत कैसे बनाते हैं और किस क्वांटिटी में हम पौधे को देते हैं, ये देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की और देखते हैं ये हम पंचामृत कैसे दे सकते हैं अपने पौधे पे। तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाते हैं तो हमें पौधे की ग्रोथ के हिसाब से या उसकी पॉट्स के हिसाब से हमें देना चाहिए। यानी कि पौधा अगर 6 इंच का है तो हम आधा ग्लास ही उसमें देंगे, क्योंकि हमने जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो नीचे से निकलना नहीं चाहिए। अगर नीचे से निकल गया है तो आपका न्यूट्रिशन आपके वो भी निकल जाएंगे पानी के साथ। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और एक महत्व की बात है कि अगर आप ये फर्टिलाइज़र पौधे में दे रहे हैं तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अगर सूखी होगी तभी मिट्टी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम कई तरह की खाद अपने पौधे को देते हैं मगर हमें पता नहीं होता है कि पौधे की वजह कौन सी है। यानी कि अगर पीली पत्तियां पड़ रही है तो इसकी 3-4 वजह भी हो सकती है। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता उसकी भी कई वजह होती है। तो हम 1 या 2 फर्टिलाइज़र देके अपने पौधे पे ग्रोथ पाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि पौधे की रिक्वायरमेंट हम मनुष्य की तरह कितनी सारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की है। यानी कि 1 या 2 फर्टिलाइज़र देके आप इसको कंप्लीट फर्टिलाइज़र नहीं दे पाएंगे अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तब तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। यानी कि NPK 19:19 देंगे तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम सब कुछ समान मात्रा में आएगा। मगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ये पंचामृत हमने किन किन चीज़ों से बनाया है। तो सबसे पहले तो हमने 6 तरह की पील ली है वेजिटेबल की। एक तो है हमारी बीटरूट की पील, उसमें हमको कई सारे तत्व मिल जाते हैं। आपको तो पता ही है हमारे लिए भी बीट रूट कितना अगत्य है। तो हमको जो भी फर्टिलाइज़र चाहिए वो सेम फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के भी लिए ज़रूरी है। तो ये है केले की पील, यानी कि बनाना पील। तो इसका इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही है, इसमें काफ़ी सारी मात्रा में पोटेशियम होता है जिससे हमारे फ्लावरिंग और हमारे पौधों की जान बढ़ती है। और ये है कैरेट का पील। कैरेट की पील में भी सभी तरह के एक साथ में तत्व होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। इसी तरह ये है पोटैटो पील, यानी कि आलू के छिलके, इसमें भी फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी सारी होती है। सेम वे में हमने ली है अनियन पील। अनियन पील में फॉस्फोरस की और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और हमने ली है ये कुकुम्बर की पील। कुकुम्बर में माइक्रो न्यूट्रिशन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने ये 6 पील ली है। उसको हम 1 लीटर पानी में, यानी कि इस बकेट में मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें ये सभी छिलके हम भिगो के रख देंगे। हमको 2 दिन तक इसको भिगो के रखना है। 1 दिन रखेंगे तब भी चलेगा, अगर 2 दिन रखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी पील्स हमने इकट्ठा कर ली है और सभी को मिक्स करते हुए हम इसको डाल देंगे 1 लीटर के बकेट में। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको ढक के हमको छाया वाली जगह पे रखना है, धूप में नहीं रखना। दोस्तों ये खास ध्यान रखिएगा, ये हम मिक्स कर लेंगे और फिर छाया वाली जगह पे ही हम इसको 2 दिन के लिए रखेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप 2 दिन के बाद इसका क्या होता है।
तो दोस्तों अब ये एक ट्विस्ट है, हम 25 लीटर पानी लेंगे और फिर इसमें 2 छोटे चम्मच हम फंगीसाइड के मिला लेंगे। फंगीसाइड साफ का भी है और कोई भी हो सकता है, वो आप इसमें मिक्स कर लीजिए ताकि हमारे पील के फर्टिलाइज़र में अगर कुछ भी प्रकार का फंगस क्रिएट हुआ है, वैसे नहीं होता मगर हम प्रिकॉशन के तौर पे इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे पौधे को और भी बेनिफिशियल रहे और हमारे पौधे को इस हिसाब से फंगीसाइड का एक डोज भी मिल जाए। तो इस तरह से हमने ये पंचामृत वाला फर्टिलाइज़र रेडी कर लिया है। अब हम पौधे की साइज़ और गमले के हिसाब से हम देंगे। तो ये मेरे गुड़हल का प्लांट है, आपने देखा आगे इसमें कई सारी कलियाँ आ रही है, इसीलिए मैं इसको ये पंचामृत दूंगी ताकि ये और अच्छे से और बुशी और घना और ग्रीन हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आप अपने हर पौधे में दे सकते हो, चाहे ये इंडोर पौधा हो, चाहे वो आउटडोर पौधा हो, फलों का पौधा हो या फिर वेजिटेबल प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आप ध्यान रख के इसको अपने हर वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।